नए साल के आगाज में बस कुछ ही दिन बाकी है। हर कोई नए साल के जश्न की तैयारी में है। इस बीच सरकार भी जनता को नए साल का बम्पर गिफ्ट देने की तैयारी में है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने की तैयारी हो रही है, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी नए साल से ठीक पहले कर सकते हैं। यानी अगले साल की शुरुआत में आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने जा रही है। ये कटौती 2024 की पहली छमाही में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले होने वाली है। सूत्रों की माने तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा तेल कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सही रहता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 6 रुपए से 10 रुपए तक सस्ती हो सकती है। दरअसल पेट्रोल मंत्रालय ने तर्क दिया है कि इंपोर्ट किए गए कच्चे तेल के खरीद मूल्य में तेज गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक कच्चे तेल की कीमतें औसतन 77.14 डॉलर प्रति बैरल थी। केवल दो महीनों सितंबर में 93.54 डॉलर प्रति बैरल और अक्टूबर में 90.08 डॉलर प्रति बैरल में बढ़ोतरी देखी गयी, जबकि बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में कच्चे तेल की औसत कीमत 90.15 डॉलर प्रति बैरल थी। बता दें कि पिछले साल 22 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम काफी समय से स्थिर है। ऐसे में नया साल जनता के लिए नया सौगात ला सकता है। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो बीजेपी सरकार भी चाहेगी कि ये फैसला जल्द लिया जाए, ताकि इसका फायदा भी वोटों पर तब्दील हो सके। बहरहाल तेल की कीमतें कम होने से महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी तो राहत जरूर मिलेगी।